नमस्ते दोस्तों, टेक एडी सिब्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्रेंड, जो MRPL की जो रिक्रूटमेंट निकली थी अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उनका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है 11 अक्टूबर 2019 है। साइट में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अप्लाई ऑनलाइन की जो लिंक है वो ओपन हो चुकी है, और ये अप्लाई करने की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहां पे भी आप चेक करके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या जो MRPL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी विजिट करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स, अप्लाई ऑनलाइन, देन यहाँ पे ऊपर लिखा है फॉर रजिस्टर कैंडिडेट्स क्लिक टू व्यू स्टेटस ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन फ्रेंड, जैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका जो डिटेल्स में जो नोटिफिकेशन है वो भी पब्लिश हो चुका है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहां पे भी आप आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट है उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन या जो एक्सपीरियंस है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, जूनियर ऑफिसर, ऑफिसर लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, जूनियर केमिस्ट ट्रेनी, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी केमिकल, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी मैकेनिकल, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन, ड्राफ्ट्समैन ट्रेनी, ट्रेनी असिस्टेंट फाइनेंस, ट्रेनी असिस्टेंट मटेरियल्स, ट्रेनी असिस्टेंट हिंदी, एंड जो लास्ट है ट्रेनी असिस्टेंट। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए ये नोटिफिकेशन चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे चाहे तो जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो भी आप यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है आई हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे जो कंटिन्यू की बटन है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे जो अलग अलग पोस्ट है वो यहाँ पे दिया है। तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग असिस्टेंट हिंदी में क्लिक कर देता हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे कैटेगरी लिखा है तो यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ। आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे लिखा है डू यू बिलोंग टू PWD कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे यस करना है। देन जो अदर ऑप्शन है जैसे कि नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, वो ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। देन यहाँ पे लिखा है वेदर एक्स सर्विसमैन, तो इसमें भी मैं सिंपल नो कर देता हूँ। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, आपके अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे लिखा है वेदर डिपार्टमेंटल MRPL एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। अगर आप MRPL एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पे यस करना है। देन यहाँ पे लिखा है आर यू एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑटोनॉमस बॉडीज ऑन रेगुलर रोल, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। इनमें से आप कोई भी सेक्टर में जॉब करते तो आपको यहाँ पे यस करना है। देन यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ अरेस्ट प्रोसिक्यूशन बाय एनी कोर्ट, इसमें भी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है वो हमको यहाँ पे एंटर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कैंडिडेट नेम एज मेंशन इन SSC सर्टिफिकेट, तो आपका यहाँ पे जो SSC सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम लिखना है। तो सिंपल मैं मेरा यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। देन यहाँ पे जो फादर्स का नेम है वो यहाँ पे टाइप करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो जेंडर है मेल फीमेल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैरिज स्टेटस में यहाँ पे अनमेरिड का ऑप्शन है, मैरिड, डाइवोर्स, विडो, विडोर, तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी, ऑल द करेस्पोंडेंट शैल बी सेंड टू दिस ईमेल आईडी। ये रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है जैसे कि कॉल लेटर्स या अदर इन्फॉर्मेशन है उसकी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी मिलेगी, तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करना है। देन यहाँ पे नीचे लिखा है टेलीफोन नंबर विद STD कोड, अगर आपके पास टेलीफोन है तो वो भी नंबर आप इसमें टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स का ऑप्शन है। नीचे यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे डिग्री रिलेटेड वगैरह वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ इश्यू पास सर्टिफिकेट एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ पासिंग लिखा है तो वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे लिखा है वेदर हैविंग CGPA, OGPA और ग्रेड, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
देन यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सेमिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टोटल यहाँ पे 8 सेमिस्टर है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे जो सेमिस्टर के मार्क्स एंड जो मार्क्स मिले हैं वो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने मेरे जो सेमिस्टर के जो मैक्सिमम मार्क्स है और जो मार्क्स ऑब्टेन हुए, मतलब जो मार्क्स मुझे मिले हैं वो मैंने यहाँ पे टाइप किया है। आप भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्क्स है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। दिन यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। दिन यहाँ पे लिखा है वेदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, साइट में भी AICTE और BTE और UGC और NCVT है, तो यहाँ पे साइट में लिखा है येस और नो, तो आपको आपके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करना है। दिन यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन अदर देन मेंशन अबाउट 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे जो 10th स्टैंडर्ड से लेके जो डिटेल्स है वो हमको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैट्रिकुलेशन का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया है। देन यहाँ पे लिखा है स्कूल और कॉलेज नेम, तो वो नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे बोर्ड नेम एंड यूनिवर्सिटी नेम टाइप करना है। देन यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क लिखना है। देन यहाँ पे साइड में आप चाहे तो HSC की भी डिटेल्स लिख सकते हैं। देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के भी डिटेल्स लिख सकते हैं या अदर कोई आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट है या अदर कोई प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स में जो एड्रेस है वो टाइप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने मेरा जो एड्रेस है वो टाइप किया है। अगर आपका एड्रेस अगर लॉन्ग है तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लिखा है, एड्रेस लाइन 2 है और एड्रेस लाइन 3 लिखा है, तो यहाँ पे भी आप आपका एड्रेस टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड कास्ट स्लैश लिखा है, यहाँ पे इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट। अगर आप OBC SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसकी जो साइज है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 20 KB से लेके 100 KB तक है और ये जो फाइल टाइप है PDF में ही होना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे मैं जो चूज फाइल लिखा है यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन नीचे यहाँ पे लिखा है फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप फोटो की साइज चेक कर सकते हैं, 20 KB से लेके 40 KB आपका फोटो होना चाहिए और इसकी जो इमेज टाइप है JPEG या JPEG में होना चाहिए। देन यहाँ पे जो सिग्नेचर की साइज है 10 KB से लेके 20 KB होना चाहिए, सेम यहाँ पे JPEG या JPEG इमेज टाइप होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं चूज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट मैंने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था, देन यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर वो अपलोड किया है। देन यहाँ पे नीचे जो कैरेक्टर है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे भी मैं टिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे सबमिट की जो बटन है यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। अगर आपको अभी भी लगता है कि जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे टाइप किया है कुछ अगर चेंजेस करने तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे मैं सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है वंस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड नो चेंज विल बी अलाउड, यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पेमेंट रेफरेंस नंबर फॉर मेकिंग द पेमेंट ये नंबर है ये जनरेट हो चुका है। देन नीचे यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट, देन जैसे ये फाइनल सबमिट हो जाएगा तो इसका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए तो सिंपल यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो प्रोसीड है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी है तो यहाँ पे एडवर्टाइज सिलेक्ट करना है। देन जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में एडवर्टाइज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आई है तो ये हमको यहाँ पे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं सिंपल नेम टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे जो मेल या फीमेल है तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने ईमेल आईडी टाइप किया था वो यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे जो पेमेंट रेफरेंस नंबर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था वो यहाँ पे टाइप करना है। देन यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड पर, तो जो पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फी है ₹100। देन यहाँ पे रिमार्क्स का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग रेफरेंस नंबर थ्रू MRPL वेबसाइट। देन नीचे लिखा है प्लीज एंटर योर नेम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर, दिस इज रिक्वायर्ड टू रिप्रिंट योर ई रिसिप्ट इन फ्यूचर। तो यहाँ पे आपको अगर रिमार्क्स में कुछ फिल करना है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन फिर से यहाँ पे नीचे नेम टाइप करना है तो वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देन सेम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है, देन है ईमेल आईडी, देन यहाँ पे जो साइड में नंबर दिया है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो पेमेंट का पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है, अदर पेमेंट्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है। देन इसके जो चार्जेस है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप SBI नेट बैंकिंग के थ्रू ये पेमेंट करते हैं तो ₹11 चार्जेस है। देन यहाँ पे अदर बैंक के लिए है ₹17 चार्जेस है, क्रेडिट कार्ड के लिए ₹12 है,
स्टेट बैंक एटीएम कम डेबिट कार्ड के लिए जीरो प्रोसेसिंग चार्जेस है, देन यहाँ पे जो अदर बैंक है उसके लिए भी यहाँ पे जीरो प्रोसेसिंग चार्जेस है। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कार्ड नंबर है, तो जो कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है, देन यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा है तो जो कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, तो जो भी कार्ड के ऊपर आपका नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन जो सीवीवी नंबर है कार्ड के पीछे जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन यहाँ पे टाइप ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे जो साइड में कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ये टाइप करने के बाद यहाँ पे जो पे का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप पे करेंगे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आप ये डिटेल चेक करके आपकी जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब बैंकिंग सेंट्रल या स्टेट लेवल जॉब नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।